आज हम मीरठ में हमारे पैदल दौरा किए, फिर उसके बाद किठौर में ख़त्म करने के बाद जब हम दिल्ली वापस आ रहे थे तो इस टोल गेट के पास ज़ाहिर है बैरिकेड से पहले हर गाड़ी स्लो हो जाती है, तो वह मुश्किल 8 या 9 फीट के फासले पर ये हमला हुआ। पहले जब धमाके की एक लाउड साउंड आई तो समझ भी नहीं आया, हमारे साथ में हमारे दोस्त यामीन खान गाड़ी चला रहे थे, उन्हें बोले भाई हमला हो रहा है लेफ्ट साइड से, गोली चला रहे हैं। तो मैंने कहा यामीन सामे गाड़ी को मारो और निकलो, तो यामीन का प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो फौरन सामने हमारे हाजी साहब गाड़ी थी उसको ज़ोर से 2-3 बार धक्का मारे, हम गाड़ी आगे बढ़ाए और 4 साउंड हमने सुने। हमारी गाड़ी के पीछे माजिद हुसैन हमारे पार्टी के एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर जो रेड कलर का हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो वो गिरा, और दूसरा जो वाइट कपड़े में था उसने फिर इन 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग की। तो ये लोग मेरे बारे में फिक्रमंद थे, तो खैर हम 4-5 किलोमीटर पर एक फ्लाईओवर आता वहाँ गाड़ी रोके, और गाड़ी रोक कर हमने फौरन उस हमले की फ़ोटो ली, 3 गोलियों के निशान है, 2 या 3 निशान है, और फिर हाजी साहब की गाड़ी में बैठकर हैदराबाद दिल्ली को आए। तो यहाँ पर आने के बाद एडिशनल एसपी से बात की तो उन्हें कहा कि हाँ सर, वो जो आपके एक शूटर मिला है, हथियार मिली है और सीसीटीवी ज़ालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है मगर हम झुके नहीं। जो लोग हमें डराना चाहते हैं वो सुन ले मेरी बात, हमने शहादत को अपने अव्वलीन रास्ते के तौर पर चुना है और इसी पर चलेंगे।